टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। विदा, आज हम जिंदगी के एक नए सफर की इब्तिदा करने वाले हैं। मैं पूरी दयानतदारी और ईमानदारी से आज ये एतराफ करता हूँ, मेरी आइडियल सिर्फ और सिर्फ मेरी मरहूमा माँ थी। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ अपनी माँ से मोहब्बत की थी, और जिस तरह उन्होंने इस घर को निखारा और संवारा, मैं तुमसे भी यही उम्मीद करता हूं कि तुम भी इस घर को ऐसे ही निखारो। अरे, तुम भी सोच रही होगी कि मैंने ऐसी ही नसीहतें शुरू कर दी। आपने सुना? तो तस्वीर किसकी है? वो तस्वीर? ये तस्वीर मेरी मरहूमा माँ की है। एक एक्सीडेंट में उनकी जान ले गई। पानी मिलेगा? रिदा, जल्दी से रेडी हो जाओ, तुम्हारे घर से लोग नाश्ता लेकर आए।
जी अच्छा। दुल्हन रानी, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सच कहूँ, तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो। अच्छा, ये तो नई इत्तला है। क्या, जाज़िब भाई ने तुम्हें नहीं बताया? नहीं। चल झूठी। मेरा मतलब है, उन्होंने तारीफ तो की थी, लेकिन तुम्हारी तारीफ की बात कुछ और है। लाइए, आप एक काम कीजिए, आप चाय लेकर आ जाएं, ठीक है? अरे भाई, ये क्या हो रहा है? तुम नई नवेली दुल्हन हो, ये काम खानसामा को करने दो। कोई बात नहीं, घर तो संभालना ही है। वैसे आज अगर आपकी सास, मेरी अम्मी जिंदा होती तो वो कम से कम एक महीने तक तुम्हें काम नहीं करने देती। जासिद, एक बात पूछूं आपसे? अरे जनाब, आप 10 बातें पूछो। अम्मी, आपकी अम्मी का इंतकाल कैसे हुआ था? रिदा, अम्मी एक हादसे का शिकार हुई थी। एक ड्राइवर की बेहसी ने हमसे हमारी मां को छीन लिया। हमारी दुनिया ही उजड़ गई। मैं और अरहम भाई अम्मी से बहुत मोहब्बत करते थे। वो लम्हा मेरे लिए मौत से कम नहीं था जब मुझे अम्मी की मौत की खबर। सही कह रहे हैं आप, अम्मी की जुदाई बहुत असियतनाक होती है। ये एक बहुत बड़ा सानिया था। अम्मी तो इतनी शफीक, मेहरबान, फराख दिल थी। वो तो गैरों को भी अपना लेती थी। मैं बैट लगाता हूँ, आज अगर वो जिंदा होती तो तुम्हारे इतने नाज नखरे उठाती तुम सोच भी नहीं सकते। मुझे यकीन है। जानसेब, ये हादसा कब हुआ था? 20 अप्रैल 2010 की बात। किसी दिन तफसील से मैं तुम्हें सारी कहानी सुनाऊंगा। टी प्लीज। क्यों? नहीं।
थैंक यू. एवरीथिंग इज सुपर्ब. वैसे रिदा, रिदा, व्हाट हैपेंड? कुछ कुछ नहीं. तो फिर नाश्ता करो. हाँ. एक नामालूम गाड़ी से औरत टकरा कर हलाक हो गई. गाड़ी सवार फरार. अरे रिदा, यूं चुपके चुपके ऐसे हवा के घोड़े पे सवार होके क्यों आई हो? हाँ, वो मैं कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए आई थी. अच्छा, अब मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी. That's nice, right? इसका नेक्स्ट करें. ये पिक्चर देखो, सो ब्यूटीफुल. हाँ, नाइस. एंड दैट वन, मैं सोच रहा हूँ इसको बढ़ा कर आके ना लाउंज में लगाते हैं. व्हाट डू यू थिंक? नॉट अ बैड आइडिया. वाओ, अमेजिंग. काश अरम भाई हमारी शादी पर होते तो कितना अच्छा होता ना. होना तो चाहिए था, बट आई थिंक वो किसी प्रोजेक्ट में बिजी हैं. वैसे सच पूछो तो मैं भी चाहता भी नहीं कि वो यहाँ पर आए. इतनी मुश्किल से तो भेजा है उन्हें. क्यों? दरअसल रिदा, उन्होंने वो खूनी हादसा अपनी आंखों से देखा था. मैं अक्सर उन्हें अम्मी की कब्र पर से लेकर आता था.
जिसने हमसे हमारी माँ को छीन लिया। खैर, अरे रीता, तुम्हारे हाथ क्यों इतने ठंडे हो रहे हैं? Are you okay? नहीं, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अरहम भाई को कौन कौन सी पिक्चर्स भेज रहे हैं? ये वाली तो मैंने सिलेक्ट कर ली है। हाँ, भेज रहे। मैं इसकी फाइल बनाता हूँ। एक बात पूछू? पूछो। मामा को लगता है कि तुम खुश नहीं हो। तुम्हारे चेहरे पे वो हकीकी मुसर्रत नहीं है जिसका ताल्लुक दिल से होता है। और तुम्हें क्या लगता है? मैंने भी ऐसा ही महसूस किया है। मामा को तो मैंने समझा दिया था, सोचा था तुमसे डायरेक्टली पूछूंगी कि आखिर ऐसा कौन सा डर है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खा रहा है। ऐसा कौन सा दुख है जिसको तुम्हारी मुस्कुराहट भी छुपा नहीं पाती। सबा, तुम जानना चाहती हो और मैं भी अपना यह दुख किसी से शेयर करना चाहती हूँ जो अंदर ही अंदर मुझे खा रहा है। एक छोटी सी ख्वाहिश, एक इंजॉयमेंट का वो लम्हा, मुझे पता नहीं था मेरी जिंदगी को अजाब बना देगा। खुदा के लिए रिदा, पहेलियां बुझवाना बंद करो, साफ साफ बताओ बात क्या है। सबा, तुम्हें याद है 3 साल पहले हमारी गाड़ी से जो एक्सीडेंट हुआ था? हाँ। और उसमें एक खातून का इंतकाल हो गया था? हाँ। वो खातून कोई और नहीं बल्कि जहांजेब की माँ थी। क्या, जहांजेब भाई की अम्मी? हाँ, और जहांजेब के बड़े भाई अरहम जो दुबई में होते हैं, उन्होंने उस लड़की का चेहरा और उसके नक्शो निगार सहनशी कर रखे हैं जो उनकी माँ की कातिल है। यानी जहांजेब भाई इस बात से बेखबर है? हाँ। वो बेखबर हैं, लेकिन मैं तो सब जानती हूँ, मुझे तो सब याद है। मेरी शादी का इख्तिताम कभी भी हो जाएगा और यह असियत मुझे कभी भी सोने नहीं देती। ये खौफ बार बार मेरा ताकुब करता है और जहांजेब की अम्मी अपनी तस्वीर से हर वक्त मुझे घूरती रहती हैं। मैं ही उनकी कातिल हूँ, मैंने ही उन्हें मारा है। हाँ, मैंने ही उन्हें मारा है। रिदा, होश में आओ, तुम किसी की कातिल नहीं हो, तुमने किसी को नहीं मारा, तुम बेकसूर हो। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? पापा कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ और तुम्हारे पापा भी बिल्कुल ठीक हैं। तुम ये बताओ कि कब आ रही हो? मेरा क्या है, मैं कभी भी आ जाऊँगी। अच्छा, वो असल में सबा के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया हुआ है। मामा, सबा की शादी की जल्दी क्या है, पहले उसकी एजुकेशन तो कम्प्लीट होने दें। तुम्हारे पापा भी यही कह रहे थे, लेकिन बेटा असल में रिश्ता अच्छा है तो मैं 2-3 साल में लड़कों की कोई कमी नहीं हो जाएगी, पहले उसे एजुकेशन कंप्लीट करने दें, फिर इस बारे में सोचेंगे। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे जेठ अरहम कब आ रहे हैं? क्यों मामा, उनका ख्याल आपको कैसे आ गया? भाई यकीनन अरहम भी अपने भाई की तरह सुलझा हुआ ही होगा, तो मैं सोच रही थी कि तुम सबा के लिए। ओहो मामा, अरहम भाई और सबा की उम्र में बहुत फर्क है, आप प्लीज़ इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दें, इसके बारे में मत सोचें आप। भाई फर्क तो होगा, लेकिन मर्द की उम्र को कौन देखता है? अच्छा मामा, मैं आपसे फिर बात करती हूँ, शायद दरवाजे पे कोई है। अच्छा ओके, ताफिस।
फिलहाल डिश लाइएगा। आपने ये मस्जिद में देना है। ठीक है। वालेकुम सलाम, ये कौन है? ये बाबा का बेटा है बिलाल, आज वो नहीं आया ना इसीलिए इनकी जगह पर आया है। अच्छा अच्छा ठीक है, क्या लेके जा रहा है? आज जुमेरात है ना, इसलिए खाना मस्जिद भिजवा रही थी। रिदा तुम्हें कैसे पता चला कि हर जुमेरात को अम्मी मस्जिद में खाना भिजवाया करती थी? आपने ही तो कहा था कि अम्मी के नक्शे कदम पे चलना। थैंक यू वेरी मच रिदा। चाय पियेंगे? श्योर। बेगम की हाथ की चाय कौन मिस करता है? मैं अभी बनाती हूँ। रिदा, I'm ready. Going to office. अच्छा सुनिए। जी बोलिए। आज आप जल्दी आ सकते हैं? अगर आप कहें तो हम ऑफिस ही नहीं जाते। मजाक मत करें ना, सही बताएं। अच्छा काम क्या? मुझे ना बाजार जाना था। मैंने आपको बताया था ना सबा की बर्थडे है। ओह माय गॉड, मैं भूल गया। बट रिदा मैं आज नहीं आ सकूंगा। अच्छा तो फिर मैं एक काम करती हूँ, मामा को लेकर चली जाती हूँ। That's a wonderful idea. वैसे एक काम और भी किया जा सकता है, मैं अपनी गाड़ी घर छोड़ जाता हूँ, तुम ड्राइव करके खुद चली जाना बाजार। नहीं मैं ड्राइव कैसे कर सकती हूँ? क्यों भाई, तुमने कभी गाड़ी नहीं चलाई क्या? नहीं, जब ड्राइविंग सीखी नहीं तो फिर ड्राइव कैसे करूंगी? अरे इसमें प्रॉब्लम क्या, मैं सिखा दूंगा। बल्कि मैं ये काम करता हूँ कि तुम्हारे लिए एक गाड़ी खरीद लूं। नहीं नहीं मुझे गाड़ी वाड़ी चलाने का शौक नहीं है। आप तो जानते ही हैं कराची का ट्रैफिक कितना खराब है। ओके 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 बाबा, जो दिल में आए वो कीजिए। वैसे भी मैं हो रहा हूँ ऑफिस से लेट, मुझे जाना चाहिए क्योंकि मैं बिल्कुल रेडी। ओके बाय बाय, कम ऑन। तुम जानते हो जासिफ, यही है हमारी माँ की कातिल। क्या ये? जिसको मैं अपनी जिंदगी समझता रहा कोई मेरी मां की कातिल निकली। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। अच्छा तो फिर इतनी चुपचाप क्यों? बस ऐसे ही। जहाज़े आपसे एक बात पूछूं? अरे एक क्या 100 सवाल पूछो। आपने अरहम भाई को हमारी शादी की पिक्चर्स भेज दी? हाँ भेज दी। अगर उन्होंने मुझे नापसंद कर दिया तो? तो मैं एक काम करूंगा, एक शादी जो है ना वो अरहम भाई के कहने पे कर लूंगा। क्या? अरे भाई जैसा बेवकूफी का सवाल होगा तो उसका जवाब अकलमंदी वाला तो नहीं हो सकता ना। ठीक है अब मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगा। सॉरी 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 सॉरी, आई एम जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा हूं यार। ओके
तुम्हें पता है अरहम भाई पाकिस्तान आ रहे हैं। तो आने दो, तुमने तो हाथ पैर छोड़ दिए हैं। देखो वो हादसा माजी का एक हिस्सा है जो कि हाल पे असरअंदाज नहीं हो सकता। जाजे भाई तुम्हारे हस्बैंड हैं और मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत मजबूत होता है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन वो मुझे पहचान लेंगे और फिर सब खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, उस हादसे को एक तवील अरसा गुजर चुका है। जाजे भाई तुमसे बहुत प्यार करते हैं, एक काम करो हमारे लिए एक नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा भांजा ले आओ तो तुम्हारा रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। कैसे? ऐसे कि औलाद होते हुए मर्द फैसला करते हुए 100 बार सोचता है। एक काम करो, अपना हेयर स्टाइल चेंज करो और थोड़ा डार्क मेकअप किया करो जिससे तुम थोड़ी मुख्तलिफ दिखोगी। अरे वाह, मेरी बहन इतनी अकलमंद हो गई है, मुझे तो पता ही नहीं था। इस घर में कोई मेरी सलाहियतों को पहचानता ही नहीं है। ओहो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आज तो आप बिल्कुल तैयार हैं। कैसी लग रही हूँ? बहुत खूबसूरत। वैसे मुझे तो आप हर हाल में अच्छी लगती हैं। जानती हैं अम्मी को साड़ी बहुत पसंद थी। अच्छा, मुझे भी साड़ी का बहुत शौक है, अब तो जरूर पहना करूंगी। थैंक यू सो स्वीट। एक काम करते हैं, मैं जल्दी से फ्रेश अप होता हूं फिर डिनर पार्टी। ओके ओके, गिव मी 5 मिनट्स। हां रिदा रिदा, अरे कहां हो भाई? क्या हुआ? किचन में थी, और कहां जा सकती हूँ? ठीक है, वो यार मेरी ब्राउन शर्ट नहीं मिल रही, मुझे ऑफिस से देर हो रही है। कभी इन बड़ी बड़ी आंखों को जहमत भी दे दिया करें, ये सिर्फ लैपटॉप के लिए नहीं बनी। अच्छा बाबा ठीक है, सुबह सुबह लड़ने की क्या जरूरत है। वैसे लैपटॉप से याद आया, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। वो क्या? गुड न्यूज ये है कि आपके जेठ अरहम साहब आपसे मिलने के लिए 2 वीक के बाद आ रहे हैं। हेलो जी, कौन? जी मैं रिदा बात कर रही हूँ। अरे रिदा आप कैसी हैं? भाई आज आपने हमें कैसे याद कर लिया? मैं तो अक्सर जाजिब से कहता हूँ कि तुम्हारी बीवी तो हमसे बात ही नहीं करती। सॉरी अरहम भाई, दरअसल मैं रात को जल्दी सोने की आदी हूँ और जाजिब से तो आपकी अक्सर लेट नाइट ही बात होती है ना। सच पूछो रिदा, तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि तुमने मुझे कॉल की। आज पहली दफा मेरे दिल में अपनाइयत का एहसास जागा। अरे अगर मुझे पता होता तो मैं आपको पहले ही कॉल कर लेती। अरहम भाई, मैंने सुना है आप पाकिस्तान आ रहे हैं। बिल्कुल सही सुना है आपने। असल में रिदा 15 दिन की छुट्टियां ली हैं, मैं अगले हफ्ते आ रहा हूँ। खुदा हाफिज़। 15 दिन की छुट्टी। क्या बात है, यूं उदास क्यों बैठी हो? अब तो ये उदासी ही मेरा मुकद्दर बन चुकी है।
बस यूं ही। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। Are you okay? हाँ, बस थोड़ा सर में दर्द था। तुमने कोई मेडिसिन ली? हाँ। That's good. ठीक हो जाओगी थोड़ी देर में। जानती हो, आज मैं बहुत खुश हूँ, और मुझसे ज्यादा कहीं अरहम भाई खुश हैं। आज तुमने उनसे बात जो की है, अभी उनसे बात कर रहा था फोन पे, वो बोल रहे हैं कि नेक्स्ट वीक वो हमारे साथ होंगे। उनका पाकिस्तान आना कंफर्म हो गया। क्या वो वाकई आ रहे हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल आ रहे हैं। एक लंबे अरसे बाद अपने भाई को देखूंगा, उनसे ढेर सारी बातें करूंगा, अपने बचपन की बातें, और फिर अम्मी की बातें, और उस लड़की की बातें जिसने आपकी अम्मी को मारा था। क्या ये तुम्हें उस लड़की का ख्याल कहां से आ गया? आपने ही तो कहा था कि अरहम भाई ने उस लड़की से इंतकाम लेने की कसम खाई है। हाँ, लेकिन रिदा, इस बात को एक लंबा अरसा हो गया है, और पता नहीं वो कहाँ पे होगी, मिलेगी भी या कि नहीं। अच्छा जहां से, हाँ, फर्ज करें कि अगर वो लड़की आपको मिल जाती है, तो क्या आप उसे माफ कर देंगे या फिर उससे बदला लेंगे? रिदा, मैं इतने बड़े ज़र्फ़ का मालिक नहीं कि जिस शख्स ने मुझसे मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज छीन ली, अब इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। जाजिब भाई, क्या हुआ था इसे? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। नहीं, ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। डॉक्टर बता रहा था कि ज़हनी दबाव का शिकार है, थोड़ी वीक है, खाए पिएगी तो ठीक हो जाएगी। लेकिन ऐसी तो कोई टेंशन नहीं है इसे, क्यों बेटा? रिदा, कैसी हो आप तुम? बेहोश होने की क्या जरूरत थी, हमें वैसे ही बुला लेती। अपनी डाइट का ख्याल रखा करो, और तुम भी जरा ख्याल रखा करो। जी हाँ।
जल्दी लेट जाओ शाबाश। Well, I don't know. लेकिन कोई ऐसा राज है, कोई ऐसी बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। आप क्या कह रहे हैं जादेव? वही जो तुम सुन रही। अगर ऐसी बात होती तुम हॉस्पिटल क्यों जाती? तुम जानती भी हो कि मैं कितना शर्मिंदा हुआ तुम्हारे पेरेंट्स के आगे। मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम बात करते करते कहीं खो जाती हो, कोई अपसेट हो जाती हो, कोई अनदेखा सा खौफ है तुम्हारे अंदर। क्या हो गया तुम्हें? लेकिन तुम मुझे इस काबिल ही नहीं समझती कि मेरे साथ कुछ शेयर किया जा सके। जासिब यकीन माने ऐसी कोई बात नहीं है। बैठी रहोगी तो जासिब भाई को तो शक होगा ही। और फिर उस दिन डॉक्टर ने भी कहा था कि तुम ज़हनी दबाव का शिकार हो। तो फिर मैं क्या करूं सबा? अरहम भाई की सूरत में एक तलवार मेरे सर पे हर वक्त लटक रही है, जो कि कुछ दिनों में आने वाले हैं। देखो रिता, मेरी बात सुनो। अरहम भाई तुम्हें नहीं पहचान सकेंगे, उन्होंने तुम्हारी सिर्फ एक झलक देखी थी। बस दुआ करो तुम मेरे लिए। मामा, मैं सोच रही हूँ कि घर चली जाऊँ। लेकिन इतनी जल्दी? तुम तो कह रही थी कि दो चार दिन रुकोगी। हाँ मामा, आई तो रुकने ही थी, लेकिन दो दिन बाद अरहम भाई भी तो आ रहे हैं, फिर घर भी डेकोरेट करना होगा ना। बिल्कुल, आप जाएं, ड्राइवर को कहें गाड़ी निकाले, और रिदा का होना वहाँ बहुत ज़रूरी है, वो पहली दफ़ा ही आ रहा है। जी पापा। चलो ठीक है, लेकिन बेटा अपना ख्याल रखना, स्पेशली अपनी डाइट का, और छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान मत हुआ करो। जी अच्छा मामा, आप भी अपना ख्याल रखिएगा और मेरे लिए दुआ कीजिएगा, और सबा तुम भी मेरे लिए दुआ करना। ये भी कोई कहने की बात है? बहुत दुआ करूँगी। भाई मज़ा आ गया आज तो खाने का। मुझे लगता है हमारा खान सामा जो है ना, वो खाना पकाना भूल गया। नो डाउट रिदा, तुम्हारे हाथ में जादू है, बहुत लज्जत। थैंक यू। तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? मैं तो सोच रहा था 3-4 दिन के बाद आओगी। क्या करे जनाब, आपके बगैर दिल ही नहीं लग रहा था। Really? तो आपने हमें मिस किया। Yes, I miss you a lot. और आपने? बहुत 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 मिस किया। आज इसी खुशी में ऐसा करते हैं कि कॉफी बाहर जाके पीते हैं। आज? नहीं आज नहीं ना, दरअसल अरहम भाई आ रहे हैं ना, तो मैं चाह रही हूँ उनके आने से पहले ना उनका कमरा साफ कर दूँ। कम ऑन रिता, कमरा सेट करने में कितना टाइम लगेगा?
कॉफी पी के आते हैं, फिर कब आते हैं। ठीक है, ओके, इसको कहा भाई, देखो तुम्हारे जेठ जी आए हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग भाभी जी। भाभी जी, भजन क्या कह रहे हैं आप, ये छोटी है आपसे, आप इसका नाम लें रिदा। यकीन करो रिदा के अम्मी के इंतकाल के बाद इस घर में बहुत सन्नाटा छा गया था, लेकिन तुम्हारे आने से ना तो सिर्फ के इस घर के दरो दीवार चमक उठे हैं, बल्कि मेरे भाई के दिल में भी बहार आ गई है। सफर कैसा रहा आपका? वेरी नाइस, लेकिन बस यार थोड़ा सा थक गया हूँ। आइए मैं आपको आपका कमरा दिखा दूँ, आराम कर लें, बातें तो होती रहेंगी। प्लीज प्लीज। क्या सूरत हाल है, अरहम भाई कहाँ हैं? अरहम भाई तो अभी खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए गए हैं, और जाजेब भी कहीं बाहर गए हैं। मैं भी खुद तुम्हें फ़ोन करने का सोच ही रही थी। कैसा रहा सब कुछ? अभी तक तो सब कुछ ठीक है, ऐसा लगता नहीं कि अरहम भाई ने मुझे पहचाना हो। देखा, मैं ना कहती थी, इस हादसे को बहुत वक्त गुजर चुका है, वो तुम्हें नहीं पहचान सकेंगे। आखिर उन्होंने तुम्हारी सिर्फ एक झलक ही तो देखी थी। हाँ मुमकिन है ऐसा ही हो, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने मुझे पहचान लिया हो और किसी वजह से बताना नहीं चाह रहे हो। तुम हमेशा तस्वीर का तारीख पहलू मत देखा करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। खुदा करे ऐसा ही हो जैसा तुम सोच रही हो। बातें चल रही है भाई? अरे बातें तो चलती रहेंगी, मैं तो ये सोच रहा था कि अरहम भाई के लिए कोई अच्छी सी लड़की देखो यार, धूमधाम से शादी करते। हाँ हाँ क्यों नहीं, अरहम भाई एक दफा हाँ कर दे, लड़कियाँ बहुत। हाँ अरहम भाई आपको कोई एतराज तो नहीं है? हाँ भाई बिल्कुल, तुम लोग मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की तलाश करो, लेकिन मैं वो लड़की तलाश करूंगा जो मेरी माँ की कातिल है। कमान अरहम भाई, जाने भी थे, इतना अच्छा हो गया इस बात को। वैसे भी अब आपको उसकी शक्ल याद भी होगी, पता नहीं। नहीं जाजिब, मैं वो चेहरा कभी नहीं भूल सकता, बल्कि मुझे तो ये तक याद है कि उस दिन उसने कौन सा जोड़ा पहना हुआ था। पता है नहीं, लेकिन ना जाने अब वो कहाँ होगी, कहाँ ढूंढते रहेंगे आप उसे। नहीं जाजिब, मेरी तलाश अब ज़्यादा दूर नहीं रही, बल्कि तुम ये समझ लो कि मैं उसके बहुत करीब पहुंच चुका हूँ। और बताएं क्या हो रहा है? बस ऐसे ही मैगजीन देख रहा था। अरहम भाई, आपकी अम्मी का एक्सीडेंट कैसे हुआ था? तुम्हें जाजिब ने इस बारे में क्या बताया? कुछ नहीं, सिवाय इसके कि अम्मी एक्सीडेंट का शिकार हुई थी। जाजिब ये समझता है कि मैं अम्मी की मौत का जिम्मेदार हूं। उसका मानना यह है कि
अगर मैं अम्मी को खाला के दरवाजे पे उतार देता तो शायद ये एक्सीडेंट नहीं होता। आप तो बताओ कि मैं अपनी माँ को कैसे मार सकता हूँ, बल्कि क्या कोई भी औलाद अपनी माँ की जान ले सकती नहीं ना? फिर जाज़िब ऐसा क्यों सोचता? अरहम भाई यकीन कीजिए, जाज़िब ने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया, वो आपके बारे में ऐसा कतई नहीं सोचते। लेकिन मैं अपनी माँ की कातिल को तलाश कर लूंगा और मेरे पाकिस्तान आने का मकसद भी यही है कि मैं उसे ढूंढ निकालूं। मेरा शायद रूम में मोबाइल बज रहा है। की कातिल को तलाश कर लूंगा और मेरे पाकिस्तान आने का मकसद भी यही है कि मैं उसे ढूंढ निकालूं। एक ड्राइवर की बेहसी ने हमसे हमारी मां को छीन लिया। वो गाड़ी एक लड़की चला रही, राम भाई को पता चल गया कि उनकी माँ की कातिल घर में है, फिर क्या बात है, सब खैरियत तो है ना रीता? कुछ भी तो नहीं। तुम्हें मुझे इतनी परेशान क्यों लग रही हो? बस वो थोड़ा सर में दर्द हो रहा है। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि आखिर वो कौन सा गम है जो तुम्हारे चेहरे से जा ही नहीं रहा और जिसे तुम मुझ पर जाहिर भी नहीं करना चाहती। प्लीज रिता, अरहम भाई चंद दिन के मेहमान है हमारे घर में, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं तुम्हारा रवैया वो महसूस ना कर लें। जाज़िब, मैंने आपसे कहा ना, मेरे सिर्फ सर में दर्द हो रहा है, अब अरहम भाई आए हैं तो क्या बीमार होने की इजाजत भी नहीं? रिदा बेटा, तुम कब आए बेटा? मामा बस अभी आई हूँ। जाज़िब नहीं आया? नहीं मामा, उन्हें कुछ काम था, मैं थोड़ा सा थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज ही सभा ने तुम्हारे कमरे की सफाई करवाई है, जाओ ऊपर जाके आराम करो।
रिदा खाना बहुत अच्छा बनाती है। जानते हो जासिब, जब मैंने रिदा को पहली दफा देखा था तो मैंने सोचा था कि ये चेहरा मैं पहले भी कहीं देख चुका हूं। अब कहां? अरे भाई, कहां देखा होगा? शायद इनकी कोई चीज अम्मी से बहुत मिलती है, शायद इनका चेहरा, या शायद इनकी आंखें। अच्छा अच्छा, बस भाई जान, पता नहीं वो कौन सा बदबख्त दिन था जिसने हमसे हमारी माँ को छीन लिया, वरना शायद आज हमारी अम्मी हमारे साथ होती। मैं जरा खान सामा को देख कर आती हूँ। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। ने मुझे पहचान लिया है, मेरे साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं। लेकिन मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी, मैं मजीद ये टेंशन नहीं बर्दाश्त कर सकती। अब जो भी हो मैं उनसे बात करके रहूंगी, जो होना है हो जाए। जहांजेब, आप नहीं जानते मैं वही लड़की हूं जो आपकी मां की मौत की जिम्मेदार है। मुझे भी ये बात शादी के बाद पता चली और इस एक बात ने एक साल तक मुझे जहनी खौफ और कर्ब में मुब्तला रखा। मैं इस पूरे अरसे में एक लम्हे के लिए जिंदा होती और दूसरे ही लम्हे मर जाती थी। अरहम भाई मुझे पहचान गए हैं। इससे पहले कि वो लम्हा आए जब आप तलाक की बदनामी मेरे माथे पर सजा कर मुझे इस घर से निकालें और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करें, मैं खुद आपको छोड़कर जा रही हूं। जहांजेब, हां मैं एतराफ करती हूं कि मैं आपकी मां की कातिल हूं। अब आप मुझे अदालत में पेश करें या खुद अपने हाथों से मुझे खत्म कर दें, मैं अब हर सजा के लिए तैयार हूं। क्योंकि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूं और शायद आपकी जिंदगी से निकलकर भी करती रहूंगी। आपकी रिदा। जहांजेब, आप नहीं जानते मैं वही लड़की हूं जो आपकी मां की मौत की जिम्मेदार है। मुझे भी ये बात शादी के बाद पता चली और इस एक बात ने एक साल तक मुझे जहनी खौफ और कर्ब में मुब्तला रखा। मैं इस पूरे अरसे में एक लम्हे के लिए जिंदा होती और दूसरे ही लम्हे मर जाती थी। अरहम भाई मुझे पहचान गए हैं। इससे पहले कि वो लम्हा आए जब आप तलाक की बदनामी मेरे माथे पर सजा कर मुझे इस घर से निकालें और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करें, मैं खुद आपको छोड़कर जा रही हूं। जहांजेब, हां मैं एतराफ करती हूं कि मैं आपकी मां की कातिल हूं। अब आप मुझे अदालत में पेश करें या खुद अपने हाथों से मुझे खत्म कर दें, मैं अब हर सजा के लिए तैयार हूं। क्योंकि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ और शायद आपकी जिंदगी से निकलकर भी करती रहूंगी। आपकी रिदा।
अस्सलामुअलैकुम जहाँसे भाई। वालेकुम सलाम। रिदा कहाँ है? वो अपने रूम में है, मैं बुला के लाती हूँ। जहाँसेब आप हाँ मैं सजा देने आए हैं? मैं तुम्हें सजा दे सकता हूँ। आपको देनी चाहिए, ऐसी काबिल हूँ। ये सच नहीं है रिदा, मैं मानता हूं अम्मी बहुत जज्बाती थी, बिल्कुल अरहम भाई की तरह। उस दिन सड़क पर जैसे वो भाग रही थी, माहिर से माहिर ड्राइवर भी उनको बचा नहीं सकता। तुम यहां चली आई और मैं सारी रात सोचता, फिर सुबह होते ही मैंने अपने दिल में एक गहरी कब्र खोदी और अपने इंतकाम को दफन कर दिया हमेशा हमेशा। और अरहम भाई, आपने उनसे बात की? अरहम भाई तुम्हें देखते ही पहचान गए। उन्होंने मेरे सामने दो शर्तें रखी, एक या तो मैं तुम्हें तलाक दे दूं और या फिर मैं उनके साथ हर किस्म का ताल्लुक तोड़। फिर अस्सलाम वालेकुम अरहम भाई। तुमने अपनी बीवी को तलाक दी या नहीं? अरहम भाई प्लीज मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं हूं। अफसोस है मुझे तुम पर, अफसोस है कि तुम अपनी बीवी की मोहब्बत को अपनी माँ की मोहब्बत से तरजीह दे रहे हो। ऐसी बात नहीं है अरहम, हादसे से लेके आज तक पछतावे की आग में जल रही है रिदा। लेकिन मैं अपनी माँ की कातिल को कैसे माफ कर दूँ? ये कत्ल नहीं, महज एक हादसा था। मैं कोई बात मानने को तैयार नहीं हूँ। आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। हादसे पर मौजूद कई लोगों से मेरी बात हुई है, उन सब ने ये बताया कि मामा अचानक गाड़ी के सामने आ गए। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं घर ही छोड़ के जाऊँ। प्लीज अरहम भाई, फॉर गॉड्स सेक, आप ये चाहते हैं कि मैं उसको तलाक दे दूं? ठीक, मैं रिदा को तलाक दे दूं, पर न जाने क्यों मामा की एक नसीहत बार बार मेरे रास्ते की दीवार बन जाती है। इंतकाम लेने वाले से माफ करने वाला अल्लाह की नजर में सबसे बेहतर होता है, उस नेकी का अजर भी सबसे ज्यादा होता है।
अब फैसला आप पे है अरहम भाई। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हमें कहो क्या कहना चाहते हो। बात तो वही पुरानी है जो मैं आपसे कब से पूछ रहा हूं। क्या आप मेरे लिए सानिया के घर कब जाएंगी? कभी भी नहीं। कभी भी नहीं मतलब? मतलब ये कि सानिया को मैं तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं समझती। मैं जुबैदा बहन को जबान दे चुकी हूँ। अम्मी मैं आपकी जबान का पाबंद नहीं हूँ। मेरी जिंदगी है और इसे आप मुझे अपने तरीके से जीने पर मजबूर ना कीजिए। देखो बेटा वो लोग कभी भी नहीं मानेंगे। तुम्हारे वालिद और सानिया के बाप का किसी कारोबारी मसले पर झगड़ा हो गया था। ज्यादा तुम्हारे वालिद की थी। सानिया का बाप कभी भी राजी नहीं होगा। मैं पहले भी तकरीबन वहां से बेइज्जत होकर आ चुकी हूं। अम्मी अम्मी माए तो अपने बेटों के लिए जाने क्या क्या करती हैं। आप सिर्फ एक बार मेरे कहने से सानिया के घर नहीं जा सकती? आपको आपकी आना अपने बेटे की खुशी से ज्यादा अजीज है। आप आखिरी बार सानिया के घर चली जाइए। अगर वो लोग नहीं मानते तो आइंदा मैं कभी इस टॉपिक पर डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है अभी तो मैं तुम्हारी खाला के मिलाद शरीफ में जा रही हूँ। कल टाइम ले लो, कल चलेंगे। ठीक है लेकिन सुनो ये आखिरी बार होगा। मैं तुम्हारी जिद की वजह से जाऊंगी लेकिन अब उन्होंने बेइज्जत किया तो मैं फिर कभी नहीं जाऊंगी। आप ये चाहते हैं कि मैं उसको तलाक दे दूं? मैं रिदा को तलाक दे दूं पर न जाने क्यों मामा की एक नसीहत बार बार मेरे रास्ते की दीवार बन जाती है। इंतकाम लेने वाले से माफ करने वाला अल्लाह की नजर में सबसे बेहतर होता है। उस नेकी का अजर भी सबसे ज्यादा होता है। अब फैसला आप पे है अरहम भाई।